नमस्ते अंता, आप देख रहे हैं शाही भोज। तो कल मैंने अपने पापा से दो तरबूज मंगा लिए थे, जिसमें से एक तो मैंने कल ही रात को खा लिया था, क्योंकि मुझे फ्रूट में सबसे अच्छा तरबूज ही लगता है, और एक मैंने बचा लिया था वीडियो के लिए, जिससे मैं आज तो उस तरबूज से आज मैं दो अलग टाइप के जूस बनाने वाला हूँ और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वाटरमेलन जूस बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैंने एक तरबूज को मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद अपन एक मिक्सी जार ले लेंगे, फिर उसमें अपन कटे हुए तरबूज को डालेंगे, फिर इसमें अपन डालेंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। फिर इसमें अपन डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी चाट मसाला पाउडर। ये सब डालने के बाद अब इसका अपन ढक्कन बंद कर देंगे और इसको अपन मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पिस चुका है। अब एक गिलास ले लीजिए और उस गिलास में आइस को क्रश करके डालिए। आइस डालने के बाद अब अपन इसमें वाटरमेलन का जूस डालेंगे, जो अपन ने मिक्सी में पीस लिया था वो। ये अपना एक जूस बन चुका है, अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। अब अपन दूसरा जूस बनाएंगे, तो एक गिलास ले लें और उसमें आइस क्रश करके डालें। फिर उस आइस के ऊपर 1 से 1.5 चम्मच रूह अफ़ज़ा डालें। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद अब इसमें अपन डालेंगे बारीक कटा हुआ तरबूज, फिर इसमें अपन डालेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने के बाद अब इसको अपन चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिला लेंगे और ये आपके 2 वाटरमेलन जूस तैयार हैं। अपने फैमिली वालों को सर्व करें। अगर उनको ये पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।